हेलो फ्रेंड, हरे कृष्णा। गंधर्व महाविद्यालय के मध्यमा पूर्ण परीक्षा में जो विद्यार्थी बैठ रहे हैं उनको ये वीडियो बहुत फायदेमंद होगा। इस वीडियो में मध्यमा पूर्ण के सिलेबस के अंतर्गत दिए सारे रागों की इन्फॉर्मेशन मैंने पढ़ी है। आप मेरे साथ इसे पढ़ा कीजिए नियमित। वैसे ही सभी रागों के आरोह अवरोह और मुख्य अंग मैंने गाए और बजाए हैं। आप मेरे साथ उन्हें गाइए नियमित। ऐसा करने से आपको ये सारी रागों की इन्फॉर्मेशन, आरोह अवरोह मुख्य अंग बहुत खूब याद रहेंगे, पक्के हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ आप इस परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स पाकर इस परीक्षा को उत्तीर्ण करें। ऑल दी बेस्ट टू यू फ्रेंड्स, ऑल दी बेस्ट। राग शंकरा। ये राग बिलावल थाट से उत्पन्न हुआ है। आरोह में रे और म वर्जित है, अवरोह में म वर्जित है। वादी स्वर प, संवादी सा है। गाने का समय मध्य रात्रि। जाति ओड़व शाड़व है। इसके आरोह अवरोह और मुख्य अंग। इसका मुख्य अंग नी ध सा नी ओ ध प ग सा। राग जय जयवंती। ये खमाज थाट में है। इस राग में दोनों ग और दोनों नी लिए जाते हैं। आरोह में प वर्जित है। रे ग रे सा धनी रे स्वर समूह के कोमल ग से ही ये राग पहचाना जाता है। बाकी सब जगह शुद्ध ग का प्रयोग होता है। अवरोह में रे के साथ ही कोमल ग लिया जाता है। इस राग में शुद्ध ग और नी लेकर बागेश्री के ढंग का सीधा आरोह भी लिया जाता है। वादी स्वर रे, संवादी स्वर प है। जाति संपूर्ण संपूर्ण है। गाने का समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। इसके आरोह अवरोह और मुख्य अंग। इसका मुख्य अंग रे ग रे सा। राग गौड़ सारंग। ये राग कल्याण थाट से उत्पन्न हुआ है। इसमें दोनों म लगते हैं। इसके आरोह अवरोह में सातों स्वर वक्र लगते हैं। वादी स्वर ग, संवादी स्वर ध। गाने का समय दिन का द्वितीय प्रहर। जाति वक्र संपूर्ण है। इसके आरोह अवरोह और मुख्य अंग। इसका मुख्य अंग सा ग रे म ग प रे सा। राग कामोद। इसकी उत्पत्ति कल्याण थाट से हुई है। इस राग में दोनों म लगते हैं। बाकी सब स्वर शुद्ध है। तीव्र म का प्रयोग
छायानट की तरह अल्प प्रमाण में केवल आरोह में प के साथ किया जाता है। अवरोह में ग वक्र है। नी का प्रयोग अल्प प्रमाण में होता है। कभी कभी कोमल नी विवादी स्वर के रूप में अवरोह में लिया जाता है। आरोह में रे प संगति राग को स्पष्ट करती है। वादी स्वर प संवादी स्वर रे है। जाति वक्र संपूर्ण है। गाने का समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। इसके आरोह अवरोह और मुख्य अंग सारे रे प म प नी र सा सा नी र प म प ध प ग म प ग म रे सा। इसका मुख्य अंग रे राग छायानट। यह राग कल्याण ठाट से उत्पन्न हुआ है। इसमें दोनों म लगते हैं, आरोह में तीव्र अवरोह में शुद्ध। आरोह अवरोह में ग और नी का वक्र प्रयोग होता है। अवरोह में विवाद स्वर के रूप में कोमल नी का प्रयोग होता है। वादी स्वर रे संवादी स्वर प है। जाति संपूर्ण संपूर्ण है। गाने का समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। इसके आरोह अवरोह और मुख्य अंग इसके आरोह अवरोह और मुख्य अंग मुख्य अंग प रे ग म प म ग म रे सा। राग पुरिया धनाश्री ठाट पूर्वी है। इस राग में रे और ध कोमल लगते हैं, म तीव्र लगता है। अन्य सब स्वर शुद्ध लगते हैं। वादी स्वर प और संवादी स्वर रे है। जाति संपूर्ण संपूर्ण है। गाने का समय दिन का चौथा प्रहर। इसके आरोह अवरोह और मुख्य अंग क्या अंग इस वीडियो के बारे में या संगीत अभ्यास के बारे में आपको कोई मुश्किल हो तो आप मुझे कभी भी मेरे मोबाइल नंबर 8879183901 पर फोन कर सकते हो। मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की जरूर कोशिश करूंगा।